स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस पर सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया और सूर्य नमस्कार और योग का महत्व भी बताया। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको प्यार और आशीर्वाद। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती, और स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम जो ठान लो वो कर सकते हो, लेकिन हम जो करते हैं उसका माध्यम हमारा शरीर है। कोई भी काम अगर हमें करना है तो वो स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारे यहां कहा गया शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर माध्यम में सब धर्मों का पालन करने का। इसलिए शरीर स्वस्थ चाहिए, बीमार कमजोर शरीर से किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। और इसलिए हमने यह भी कहा है पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी निवास करता है। और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि हम रोज योग करें। योग का बहुत अच्छा प्रकार है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सभी अंग प्रत्यंगों का व्यायाम हो जाता है। योग की परंपरा हमारी कोई आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने योग की इस परंपरा को विश्वव्यापी बना दिया। आज दुनिया का हर देश योग करता है। और इसलिए मेरा आग्रह है प्रिय बेटा बेटियों कि अपने शरीर को निरोग रखने के लिए आप भी रोज योग करें, सूर्य नमस्कार करें। योग का ही प्रकार सूर्य नमस्कार, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, मैं खुद भी करता हूं। योग के बाद प्राणायाम भी रोज करता हूं और उसके कारण मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मेरी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो आप भी देर क्यों करते हैं? केवल आज नहीं, रोज सूर्य नमस्कार जरूर करें, प्राणायाम भी सीखें और विधिपूर्वक करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।